नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। भिवानी शहर में पिछले एक सप्ताह से यातायात का उल्लंघन करने वालों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया हुआ है तथा उन वाहन चालकों को चालान ना करके उन्हें फूल देकर यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिससे कि वाहन चालक यातायात नियमों के बारे में जागरूक हो सके तथा दुर्घटना में भी कमी हो सके। गौरतलब है कि भिवानी शहर में पिछले वर्ष की भांति दुर्घटनाओं में काफी सुधार हुआ है तथा दुर्घटनाएं भी कम हुई हैं। आज चलाए गए अभियान में वाहन चालकों को सजा नहीं बल्कि फूल दिए गए और उन्हें कहा कि आप नियम मत तोड़ें, आपकी जान बहुत कीमती है। नियम तोड़ने वालों ने भी माफ़ी मांगी और कहा कि अब वह नियम नहीं तोड़ेंगे। भिवानी में आज पुलिस ने एक मुहिम चलाकर यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों को सजा ना देकर उन्हें फूल देकर सम्मानित किया। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। ये जरूरी वहाँ भी है, हमारा रोड सेफ्टी का सप्ताह चला हुआ है। इस दौरान हम लोगों को फूल दे करके जागरूक कर रहे हैं, हेलमेट लगा के चलो, ट्रिपल राइडर पर ना बिठाए दो पहिए वाहन पर, और रोडवेज को भी हमें ड्राइवरों को फूल दे करके इनको जागरूक कर रहे हैं कि आप भी अगर ये भी सीट बेल्ट लगाएंगे तो आम पब्लिक पर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर बहुत सवारियां बैठी होती है। अगर ये रोडवेज वहाँ सीट बेल्ट लगाएगा तो उसके ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा पब्लिक के ऊपर। आज एक हफ्ता हमारा यही प्रोसेस चलेगा। आज के स्टाफ भी हमारे साथ मिलकर अभी आदमी मिले हुए हैं, सभी को हम दोपहिया वाहन को जागरूक करें, मोबाइल से बातें ना करें, व्हीकल चलाते समय शराब पीकर गाड़ी ना चलाए, धुंध के समय है रिफ्लेक्टर अपनी गाड़ियों पर होने चाहिए और सीट बेल्ट वो के बारे में भी गाड़ियों वालों को हम जागरूक का अभियान चलाए हुए। क्या लगता है लोगों पर कितना असर पड़ा? हाँ, लोगों पर बहुत काफ़ी असर पड़ा है ये समझाने का। अभी आपने भी देखा होगा बहुत एकाध ही चल रही बाइक वाला या गाड़ी वाला बगैर सीट बेल्ट या बगैर हेलमेट के आ रहे हैं, जो बगैर हेलमेट के सीट बेल्ट के आ रहे हैं उनको हमें फूल दे करके समझा रहे हैं लोग।